हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट टेक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सी टेट दिसंबर 2021 और यूपी टेट जो आने वाला है 2021 में या 2022 में, उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। और आज आपके वीडियो में बताएंगे कि बाल मनोविज्ञान या जो है बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के जो 30 के 30 क्वेश्चन आते हैं उसको आप कैसे जो है पूरे तरीके से हल कर सकते हैं, उसकी जो है सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए कि आप 30 में कम से कम 25 क्वेश्चन तो अधिक से अधिक कर ही सकें और वो भी सही हो। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी देने वाले हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पर जो है सी टेट के क्लासेस चल रहे हैं। और इसके साथ ही आप हमारी जो है ब्लॉग वेबसाइट है tetpacacademy.blogspot.com पे भी जो है आप विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको सीटेट के जो है हिंदी में जो नोट्स हैं वो भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें जो है बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि 30 में से 30 अंक जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में जो है आप कैसे ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पर, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, उन सभी के दिमाग में बस एक ही प्रश्न चलता रहता है कि सीडीपी के क्वेश्चन जो 30 आते हैं उनको अधिक से अधिक कैसे जो है हल किया जाए। क्योंकि जो है सीडीपी के जो क्वेश्चन होते हैं काफी कंफ्यूज करते हैं और इनकी जो भाषा शैली होती है, खासतौर से चाहे हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज के जो अभ्यर्थी होते हैं वो हमेशा इसकी भाषा शैली को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। और अंततः वो जो है क्या लगता है कि 30 में से मात्र जो है 15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन, किसी के 20 क्वेश्चन, और बहुत ही मतलब अपवाद स्वरूप आप देखिएगा तो बहुत ही कम लोगों की संख्या मात्र मतलब जितने लोग जो है परीक्षा में बैठते हैं उसका मात्र अगर आप 10% मान लें तो 30 में से 30 या 25 या 28 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है सही रणनीति अपनाई होती है। तो बाल विकास के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अगर आप जो है टारगेट करना चाहते हैं, उनको हल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें आपको जो है पता चलेगा कि जो है सीटेट के जो सीडीपी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं 30, वो जो है कहाँ से आते हैं और किन टॉपिक से आते हैं। उन टॉपिक्स को यहाँ पे आपको जो है वो संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं और उन्हीं टॉपिक्स को अगर आप ध्यान में रख के आप अपने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी करेंगे तो आप 30 में से कम 25-28 क्वेश्चन जो है आसानी से हल कर लेंगे और वो गलत भी नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में या बाल विकास में जो मेन जो आधार स्तंभ है वो 3 होते हैं, ठीक है। 3 जो है मुख्य आधार स्तंभ होते हैं और उन्हीं को जो है ध्यान में रख के हम लोग क्या करते हैं तैयारी करते हैं, जिसमें जो है पहला होता है आपका, सबसे पहला जो है शिक्षक होता है, उसके बाद आपका जो है शिक्षार्थी होता है, और तीसरा होता है आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, ठीक है। ये 3 जो है आधार स्तंभ है बाल मनोविज्ञान के या बाल विकास के, जिनसे जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो शिक्षक के ऊपर आधारित होते हैं, यानी शिक्षक के अंदर जो अभी क्षमता होती है, योग्यता होती है, शिक्षक के क्या काम है, मतलब पूरा शिक्षक का एक जो क्राइटेरिया होता है, जो विद्यालय में बच्चों के प्रति जवाबदेह होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, चाहे वो सैद्धांतिक हो चाहे अवधारणात्मक हो। और यही चीज जो है शिक्षार्थी यानी कि जो है बालक पर लागू होता है, ठीक है। यही बात जो है शिक्षार्थी यानी बालक पर लागू होता है, यानी शिक्षार्थी से संबंधित सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि शिक्षार्थी किस तरीके का होता है, कैसे सीखता है, कैसे मोटिवेट करते हैं, किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके शिक्षार्थी को जो है सिखाया जा सकता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसका वातावरण कैसा होता है, उसका वंशानुक्रम कैसा होता है, इसी बहुत सारी चीजें जो है शिक्षार्थी को टारगेट करके आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि शिक्षक को भी आपको टारगेट करना है, इससे संबंधित भी जो है प्रश्न 30 में प्रश्न जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें दिए रहते हैं, और शिक्षार्थी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके साथ ही जो है पाठ्यक्रम से संबंधित भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 जो आधार स्तंभ है इनको आपके टारगेट करके जो है सीडीपी की या बाल मनोविज्ञान की जो है तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कर सकें। और उसके अलावा एक चौथा जो अलग से पॉइंट होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक में आप इनको जो है कथन, मनोवैज्ञानिक के जो कथन है, इनके जो सिद्धांत हैं, इनके सिद्धांतों की जो बेसिक जो आप यूं कह सकते हैं जो टाइमलाइन है या जो इनके जो वाक्य हैं वो आपको याद होने चाहिए, खासतौर से इनके नाम, इनका सिद्धांत और इन्होंने कौन सी अवधारणाएं जो है प्रतिपादित की हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपने फोकस कर ली तो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में आपको जो है 30 में से 25 क्वेश्चन करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का जो
सीक्वेंस होता है, इसका अभी भी जो है कंफ्यूजन है कि कौन सा इसमें से पहले आएगा। वैसे तो एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि जो बालक है वो सबसे पहले आता है, और बालक के बाद जो है शिक्षक आएगा, फिर जो है पाठ्यक्रम आएगा, ऐसा तीन क्रम होता है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन लोगों में बना रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बालक इसमें सबसे पहले आता है। तो कहने का मतलब ये कि ये चार टॉपिक के आधार पे, या इन चार टॉपिक को अगर आप फोकस करके बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी करते हैं, तो आप बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए कि सीटेट का चाहे पेपर एक हो और चाहे पेपर दो हो, या कोई अन्य राज्य की जो है टीटी एग्जाम हो, उसमें आप चाइल्ड डेवलपमेंट में कम से कम आप 25 क्वेश्चन आसानी से ला सकते हैं। यही आपको हमें बताना था, और इन्हीं चार पॉइंट्स को हम फोकस करके अपने चैनल पे सीटेट के नोट्स आपको जो है डेली दे रहे हैं। और एक चीज और यहाँ पे कह देना चाहते हैं कि सीटेट से संबंधित जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया था सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पर जो आया था, उसका जो है हिंदी रूपांतरण हमने अपनी जो है ब्लॉग वेबसाइट जो है उस पर कर दिया है, और इस ब्लॉग वेबसाइट का लिंक जो है मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दिया है। आप वहां से जाकर के इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है, जो कि दिसंबर सीटेट 2021 के लिए मॉडल क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं, और उन क्वेश्चंस में भी आपको ये चारों आधारभूत चीजें जो है मिलेंगी, और आप इन चीजों को वहां पे पाइएगा। इस पैटर्न को देखने के बाद ही मैंने वीडियो बनाने का निर्णय किया था। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया हो कि बाल मनोविज्ञान की तैयारी करना और 30 में से 30 क्वेश्चन आप कैसे सही कर सकते हैं। तो सीधा है कि चार पॉइंट से आप फोकस करके जो है तैयारी करिए, और सारा आपका जो स्टडी मटेरियल रहेगा इसी के इर्द गिर्द जो है रहेगा, तभी आपको जो है सक्सेस मिल सकती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।